आप सभी को मेरा प्यार भरा पलक और छोटू को ढेर सारा। इनका कुछ ज्यादा ही प्यार उमड़ जाता है कभी जब। वाले हैं वो उस वाले रोड में क्या है यहाँ पे जंगल की सफारी, जंगल की सफारी करके टाइटल है उसमें, मतलब थंबनेल बना रखा है, उसमें क्लिक करके देखना। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा पलक और छोटू को ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है पूनम डोभाल और मैं उत्तराखंड के बेरीनाग की रहने वाली हूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, काफ़ी अच्छी हूँ। ये है सानू, शुभ नाम सोनीता इसको। और हम लोग जा रहे हैं अभी घूमने, शाम का टाइम है और मौसम काफ़ी बदा बदा है अभी, यानी कि बदा बदा मतलब खराब होने वाला है अभी मौसम पूरा, देख सकते हैं आप लोग। और काफ़ी लोग आगे चले गए हैं, हम लोग पूरे एक समूह में जा रहे थे, आंटी लोग, हम लोग, कॉलेज के बच्चे और हम सारे जा रहे थे। वो लोग आगे चले गए क्योंकि हम थोड़ा लेट आए घर से, मेरा फोन में चार्ज नहीं था, फिर ब्लॉगिंग भी करनी पड़ती है करके। और यहाँ पे खड़ी होगी अभी प्रिया भी आ रही है, आप लोग बने रहो हमारे साथ। और इनका कुछ ज़्यादा ही प्यार उमड़ जाता है कभी जब। क्यों बोलो फिर, क्या है तू? तो आज का दिन कितना जबरदस्त हो रहा है, हम सब ने आज कुछ नहीं खा रखा है, सब भूखे हैं। हमारे सालों की यहाँ चली गई थी, कब गई? 11 बजे आ गई थी, तब से हम इतनी बातें करी, हमने इतनी बातें करी, 3 बजे आ गए थे, पता ही नहीं चला यार। तो मेरे बिना, और ये थोड़ी बीमार है आज वो। अरे व्हाट डू यू आर बीमार इसको हाथरा बहुत बीमार हो रहा है। हम जाने वाले हैं वो उस वाले रोड में, व्यू खतरनाक आ रहा है यहाँ पे, देखो ऐसी कुछ यहाँ व्यू है, कितना प्यारा व्यू लग रहा है। तो आप लोग बने रहो, हम मिलते हैं आपको नीचे नीचे जाके, मतलब जहाँ पे हम घूमने जा रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा मार्केट का रास्ता है तो उस समय नहीं बनाती हूँ मैं थोड़ा, मतलब एक तो गाड़ियाँ भी चलती है, ट्रैफिक रहता है, ये चीज़ें ना। तो आपको मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में, ठीक है? आप क्या है यहाँ पे? हिस्ट्री में ऐसा बोलते हैं जसूली। अच्छा हिस्ट्री बता रहे सालों। जसूली थी वो, ठीक है, वो अमीर थी। और वो जो लोग उस टाइम गाड़ी वाड़ी की सुविधा नहीं होती थी तो जाते थे ना बैठ बैठ के, तो उनके लिए एक ये बनाया जाता था यहाँ पे, धर्मशाला बनाया उसने, मतलब लोगों की सेवा के लिए, जसूली सौकियाना। अच्छा ये उसी के नाम से, जसूली सौकियाना धर्मशाला के नाम से है ये। ये है बेरीनाग का थाना, बेरीनाग ये रहा। देखो पाउडर कौन सा का पाउडर, फुल डब्बा क्रीम पाउडर देखो ये। और दगड़ू भी मिल गए हमारे दगड़ू। हाय, आप फोटो खींच। इतना अच्छा सीन आ रहा है यार, ये देखो पीछे दिख रहा है बेरीनाग। और हम काफी दूर आ गए हैं, इतनी अच्छी जगह है यहाँ पे, आज मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। वैसे तो मुझे बेरीनाग में इतना समय हो गया, आपको पता है 4-5 साल लगभग हो गए हैं, मैं मतलब बेरीनाग को ही अच्छे से देख नहीं पाई हूँ, घूम नहीं पाई हूँ। अभी मैं दोस्तों की वजह से इतना आ रही हूँ और आपके साथ इतनी मस्ती कर रही हूँ, इनके साथ भी, और आप तक पहुँचा रही हूँ अपनी वीडियो। तो जो मेरे ब्लॉग हैं वो एक स्टूडेंट लाइफ, विद्यार्थी जीवन, और हम पढ़ाई करते हैं, कॉलेज जाते हैं, अपना खाते हैं, पीते हैं, और हम इस तरह से, मतलब कॉलेज लाइफ कुछ इस तरह से गुजरती है, ठीक। सी आजकल है भिटोला का महीना चल रहा है गांव घरों में, और यहाँ बेरीनाग में भी एक भाई अपनी बहन को भिटोला देता है, यानी कि मतलब भिटोला देता है, वो त्यौहार आजकल चल रहा है। ये देखो रील की तैयारी हो रही है इनकी। और हम अगर हम यहाँ से निकलते हैं तो हम पहुँच जाते हैं, कहाँ पहुँचेंगे प्रिया? थाम सांगर। ये देखो कुछ इस तरह से है यहाँ पे, और यहाँ का व्यू आपको दिखाती हूँ। तो
तो देखो कितनी सुंदर जगह है यहाँ पे और शांति भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ी वाड़ी है कमी आ रही है, फिर कोई कोई जो छोटी छोटी स्कूटी और बाइक ही जा रहे हैं यहाँ से, वो भी बहुत कम। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत सुनसान की जगह है और काफ़ी अच्छी हवा भी चल रही है। और पीछे देखो कुछ मैदान जैसा है पीछे वो वहाँ पे, और इन लोगों की बन रही है यहाँ पे रील, और दूसरी है वहाँ पे अकेले अकेले रील बना रही है वो लड़की फिर, और ये दोनों हैं और मैं तो लगी हूँ ब्लॉगिंग में। अब यहीं से हम वापसी करते हैं, अभी नीचे उस साइड से नहीं गए हम, क्योंकि वहाँ पे शायद ज़्यादा चलना पड़ेगा, फिर मौसम भी ख़राब हो रहा है, तो जहाँ से हम आए थे वहीं से हम वापसी भी कर रहे हैं। सब अपने अपने फ़ोन पे बिजी है अभी, और जहाँ पे अभी हम हैं उसके सीध में, मतलब ऊपर में यहाँ पे टॉप में, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अंग्रेजी का घर जहाँ हम पहले भी आए थे, और यहाँ पे मैंने एक वो भी करा था, ब्लॉग भी बनाया था। भी अच्छा है, यहाँ भी एक पुराने टाइप का घर है, आपको देखना, एक वीडियो डाली है मैंने उसमें, जंगल की सफारी करके टाइटल है उसमें, मतलब थंबनेल बना रखा है, उसमें क्लिक करके देखना। तो अभी यहाँ बैन कर दिया गया है, कुछ साक्ष्यों से पता चला है कि यहाँ अंग्रेजी का घर जो लोग जाते थे और घूमते थे, फोटोज़ लेते थे, अब यहाँ पे बैन कर दिया गया है बल, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मतलब शराब वराब पी रहे होंगे लोग, अब वो किसी का घर है ना तो सही नहीं रहता है, तो बैन कर दिया गया है, अब यहाँ जाने की अनुमति नहीं है किसी को। तो हम उस दिन गए थे, यहीं से गए थे, ऊपर गए थे, तो ऐसे ही रास्ता भटकते पहुँचे हम उस दिन। वैसे मैं दो बार चली गई हूँ यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है, और फ्लावर है, मतलब फूल, कई प्रकार के फूल हैं वहाँ पे। आजकल पहाड़ों में क्या हो रहा है, हिसालू और किरमर हो रहे हैं, जो सालू को बहुत पसंद है, खाते रहती है। किरमर नहीं लगा है, हिसालू लगे हैं, बट ये देखो जो पीले पीले दिख रहे हैं, नहीं नहीं मैं नहीं खा रही। तो आज का ब्लॉग इतना ही, कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग बताना मत भूलना। आज बहुत फुर्सत से ब्लॉग बनाया है मैंने, क्योंकि पेपर, फिर बीमार, फिर अभी मैं आज ठीक हूँ, अच्छा फील हो रहा है। तो देखना आप ब्लॉग को कैसा लगा, ज़रूर बताना, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए आप लोग सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और मेरे ब्लॉग देखने में और ज़्यादा व्यस्त रहो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय।